नमस्कार दोस्तों, मैं सनी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल अंश कुमार स्टडी ग्रुप में। दोस्तों, हमारा चैनल आपके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हुए लाया है स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट आईटीआई करके आपको रोजगार के लिए स्किल टेस्ट को पास करना बहुत ही जरूरी हो गया है। दोस्तों, स्किल टेस्ट के बारे में मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट नौकरी में स्किल टेस्ट को पास करना बहुत ही जरूरी है। जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे एनटीपीसी, यूपीएल, एलएनटी, हिटैची पावर, सीमेंस, ईटीसी इत्यादि कंपनियों में आपको स्किल टेस्ट पास करने के बाद ही नौकरी मिलेगी। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। हम सदैव आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। तो स्किल टेस्ट की आसान भाषा में ये कहूँ कि कॉलेज या वर्कशॉप में जो हमने वर्क जॉब बनाए हैं, स्किल टेस्ट उसी पर आधारित है। लेकिन पूरी तरह से समझने के लिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। तो किसी महापुरुष ने कहा है कि अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं स्किल टेस्ट के बारे में। क्या स्किल टेस्ट के बारे में आज हम चर्चा करते हैं और आपसे स्किल टेस्ट में किस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं उसके विषय में भी बात करेंगे। किस प्रकार से आपसे स्किल टेस्ट में सवाल पूछे जा सकते हैं, स्किल टेस्ट में आपसे आपके आईटीआई ट्रेड के अनुसार ही सवाल पूछे जाते हैं। आपने कॉलेज वर्कशॉप में या अपने दैनिक जीवन में बहुत से सारे टूल्स को देखा होगा, उसे पहचानते भी होंगे तथा उसका नाम भी जानते होंगे। जो टूल्स टैकल्स को आपने देखा है तथा जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं, वे आज आप हमारे इस वीडियो में देखेंगे तथा स्किल टेस्ट के लिए पूरे ऊर्जा के साथ तैयारी भी करेंगे। स्किल टेस्ट ट्रेड के अनुसार ही होंगे, पर कुछ टूल्स टैकल्स सभी ट्रेड के लिए कॉमन होते हैं। पहले वह भी आपको बता देता हूं कि दोस्तों, जैसे कुछ ट्रेड है हमारे इलेक्ट्रीशियन, फिटर और इंस्ट्रूमेंट, तो इनका भी मैं टूल्स के बारे में बात करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले नंबर पर आपको जो स्किल टेस्ट में पूछा जाएगा, वो आपसे पूछा जाएगा कि अपना इंट्रोडक्शन, आपको पूरा इंट्रोड्यूस करना होगा, अपने आप को पूरा बताना होगा, उनका पूरा डिटेल्स बायोडाटा आपसे पूछा जाएगा। तो दोस्तों, अगर मैं फिटर की बात करूँ या इलेक्ट्रीशियन या इंस्ट्रूमेंट की, तो इसमें से कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनके बारे में आपको बेहद जानकारी होनी चाहिए। तो फिटर के स्टूडेंट्स के लिए है। दोस्तों, फिटर स्टूडेंट्स कुछ टूल्स के बारे में बता दूं जिसके विषय में उनको जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि हमारी जो रेती होती है, यानी कि फाइल किसे कहते हैं, फाइल का काम क्या होता है, इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद जावा एक्सप्रेस आता है, लेंथ मशीन आती है, स्क्रैपर आता है, चीजल आता है, हैमर है, प्लायर है, एलेंकी है, टेफ्लॉन टेप है, रिंच है, स्पैनर है, ईटीसी इत्यादि, ऐसी कई ऐसे टूल्स हैं जिसके बारे में हमें जानना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट की बात करूं और इलेक्ट्रिकल फील्ड की बात अगर मैं करूं, तो उसमें कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो कॉमन होते हैं। तो इलेक्ट्रीशियन के लिए जैसे कि मैंने बताया मल्टीमीटर, मल्टीमीटर का यूज किस प्रकार से करते हैं, मल्टीमीटर का काम क्या होता है, इसके बारे में आपको बेहद जानकारी होना जरूरी है। दोस्तों, मल्टीमीटर का जो हमारा इस्तेमाल है, जैसे आपको पूछ लिया गया, एग्जामिनर पूछ सकता है कि मल्टीमीटर से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे चेक कर सकते हैं, मल्टीमीटर से हम वोल्टेज को कैसे चेक कर सकते हैं, तो सारा डिटेल्स आपको अगर पता रहेगा तभी आप स्किल टेस्ट में पास हो पाएंगे। तो दोस्तों, कुछ मैं और भी टूल्स हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे वायर स्टेपर का काम क्या होता है उसके बारे में भी जान लेते हैं। वायर स्टेपर जो हमारा होता है, वो वायर के इंसुलेशन को साफ करने के काम में आता है, यानी कि वायर को जो ऊपर ब्रेक चढ़ा होता है तार का, तो उसे क्या काटने के काम में आता है या हटाने का काम में आता है। उसके बाद हमारा आता है सोल्डर या सोल्डिंग वायर, सोल्डर का काम क्या होता है उसके बारे में भी जान लेना बहुत ही जरूरी है। सोल्डर यानी कि किसी भी अगर इलेक्ट्रॉनिक प्लेट में अगर कोई फॉल्ट होती है या कोई तार इधर उधर हो गया, तो उसे सोल्डिंग करने के काम में आता है। पीवीसी टेप का भी इस्तेमाल इलेक्ट्रीशियन स्टूडेंट्स करते हैं। स्क्रू ड्राइवर, मोटर, जनरेटर और बोर्ड कनेक्शन, ये सारा चीज आपको करना आना चाहिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो अब इंस्ट्रूमेंट की बात करूं, तो जैसा कि मैंने आपको बता भी दिया है कि मल्टीमीटर का भी इस्तेमाल आपको भी आना चाहिए इंस्ट्रूमेंट वालों के लिए। तो उसके साथ में कुछ टूल्स जो बताया मैंने कि कॉमन होता है इलेक्ट्रीशियन और इंस्ट्रूमेंट का, तो जैसे प्लायर भी है और एलेंकी भी है, वायर स्टेपर भी है और सोल्डिंग वायर है और पीवीसी टेप, टेफ्लॉन टेप और स्क्रू ड्राइवर, ईटीसी इत्यादि और ऐसे टूल्स है जो आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर इतना सारा जानकारी आपको होगा और अगर आपसे पूछ लिया गया किसी भी प्रकार से क्वेश्चन, अगर इसमें से पूछ लिया गया, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। और ये बस यही कहकर मैं अपनी गाड़ी को विराम करता हूँ, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।